सो गाइस यार फाइनली मैंने परचेस कर लिया महिंद्रा की थार, वो भी ब्लैक कलर में, वो भी आप लोगों के डिमांड की वजह से। कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताओ। तो गाइस यार जल्दी से कमेंट सेक्शन में थार ओपी लिख दो। देखो यार मेरी थार कितनी मस्त लग रही है, पता है अभी अभी मैंने तुरंत ही इंडिया से इम्पोर्ट कराई है। आप लोगों को कैसी लग रही है? इंडिया से तुरंत तुरंत बन के आई है मेरी थार। चलो अब जल्दी से बैठता हूँ, इससे भाई ऑफ रोडिंग करेंगे, मस्त मस्त चीजें करेंगे। लेकिन गाइस यार मुझे ना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है, मतलब कि मुझे गाड़ियां चलानी नहीं आती है, बट ट्राई करेंगे। वैसे भी ये ऑटोमेटिक है तो दिक्कत वाली बात क्या है, और से भी स्टेरिंग में हाथ रखना है और भाई गाड़ी चला देना है, ऑटोमेटिक है। एक सेकंड, स्टेरिंग भी इसका बहुत ही मस्त है यार, लेकिन चलाया तो जाने रहा बट स्टेरिंग मस्त है। चलो गाइस यार एक काम करते हैं, अपनी थार की टॉप स्पीड चेक करते हैं, स्पीड बढ़ाते अपनी गाड़ी का। चलो अब रोड क्रॉस करते हैं, वैसे भी रेड लाइट हो चुका है, चलो चलो जल्दी से रोड क्रॉस कर लेती हूँ। ओके गाइस यार ये देखो रेड लाइट है पर ब्रेक नहीं लग रहा। ओ नो नो नो, एक सेकंड, ये क्या, मैंने भाई किसी को ठोक दिया, ये कौन है भाई? उतर के देखता हूँ, एक सेकंड कौन गाड़ी के सामने आ गया? भाई मेरी गाड़ी के सामने आना था क्या? मेरी नई नवेली गाड़ी थी, गंदा कर दी। एक सेकंड ये कौन है? ओ नो गाइस यार ये तो ग्रैनी है। भाई मेरी गाड़ी के सामने एक भूत आके मर गई, ये क्या हो गया? दोस्तों ग्रैनी मेरी गाड़ी के सामने आकर के टकरा गई, अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ नो, ग्रैनी का हस्बैंड ग्रैंडपा तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरे को जिंदा मार देगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा गाइस यार, तो वरना तो ये ग्रैनी तो उड़ भी नहीं रही। अरे ग्रैनी उठ जा, ओए मजाक मत कर, मुझे पता है तू भूत है, दोबारा से उठ सकती है। अरे उठ जाना ग्रैनी, मेरे साथ मस्ती मत कर, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी भूतों के कत्ल में, मतलब कि भूत को मारने के जुर्म में पुलिस मुझे लेके चली जाएगी और जेल में बंद कर देगी। ग्रैनी प्लीज उठ जा, भाई मेरे साथ मस्ती मत कर। ये क्या हो गया गाइस यार, मैंने नई नवेली महिंद्रा थार ली अभी के अभी एक्सीडेंट हो गया और उसमें से एक जन भाई लुढ़क गया, वो भी ग्रैनी थी। ओ नो यार, इससे तो मेरा पुराना दुश्मनी भी है और ये मर भी चुकी है, अब मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे छोड़ के चला जाऊं क्या? गाइस यार कमेंट करके बताओ। बट नहीं यार, अपने दुश्मन को भी मदद करनी चाहिए, ये तो मुश्किल वाला समय है, ऊपर से गाड़ी भी तो मैंने ही ठोकी है, अगर मैं ऐसे भाग जाऊंगा तो भाई साहब पुलिस तब भी मुझे ढूंढ लेगी क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। ओ नो, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ इसे हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। चलो गाइस यार, बट एक सेकंड मेरी गाड़ी में तो जगह ही नहीं है, भाई ये गाड़ी में तो डिक्की नहीं होती महिंद्रा थार में, भाई मैं कहां बैठाऊंगा ये ग्रैनी को। एक सेकंड, सामने एम्बुलेंस है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक काम करता हूँ एम्बुलेंस में भाई ग्रैनी को बैठाता हूँ और लेके चलता हूँ हॉस्पिटल। ग्रैनी चिंता मत करो, फाइनली एम्बुलेंस मिल चुका है, अब भाई मैं तुम्हें तुरंत ही लेके जाऊंगा, चलो लेट्स गो। चलो गाइस यार ये ग्रैनी को ना एम्बुलेंस के अंदर बैठाते हैं, लेट्स गो ग्रैनी एम्बुलेंस के अंदर चलो। चलो गाइस यार फाइनली ग्रैनी तो बैठ चुकी है एम्बुलेंस के अंदर, अब गाइस यार एक काम करता हूँ जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को हॉस्पिटल की तरफ लेके चलता हूँ। ग्रैनी चिंता मत कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मानता हूँ कि तू मेरी जानी दुश्मन है बट मैं तुझे तब भी बचाऊंगा क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई, ठोका भी तो मैंने ही था तो फर्ज भी मेरा ही बनता है इसे बचाने का। चिंता न कर ग्रैनी, तू होश में आएगी ना मैं तुझसे माफी मांग लूंगा, बट अभी मुझे माफ कर देना। लेट्स गो गाइस यार, हॉस्पिटल तो आसपास ही है मुझे जहाँ तक लगता है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेट्स गो गाइस यार, फाइनली चलो हॉस्पिटल चलते हैं। एक सेकंड, हॉस्पिटल में क्या हो गया है भाई? ये देखो हॉस्पिटल का हाल इतना बेहाल क्यों है, ये देखो हर चीज टूटा फूटा है। अरे हॉस्पिटल में हल्का आया था क्या, इतना सब चीज टूट कैसे गया है, यहाँ पे तो सारा चीज ही खत्म हो चुका है। अरे यार यहाँ पे कोई डॉक्टर है भी कि नहीं है, मैं पेशेंट लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं एक मरीज है, जल्दी से बताओ कोई डॉक्टर है कि नहीं है। एक सेकेंड, वहाँ पे तो नर्स है, अरे नर्स डॉक्टर कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे एक जन का एक्सीडेंट हो चुका है ग्रैनी का, अरे ये देखिए ये रही ग्रैनी और इसका एक्सीडेंट हो चुका है वो भी कार से, प्लीज आप बताइए डॉक्टर कहाँ है। मुझे माफ करिएगा बट डॉक्टर लोग तो स्ट्राइक में गए हैं और हॉस्पिटल का भी बहुत ज्यादा काम खराब है क्योंकि हॉस्पिटल का रेनोवेशन चल रहा है। एक सेकेंड, आज के दिन हॉस्पिटल का रेनोवेशन चलना था क्या, और आज के दिन ही डॉक्टर नहीं है, अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। अगर आपको इतनी जल्दी है तो एक काम करिए, आप ही ऑपरेशन कर दीजिए इसका। एक सेकेंड, मैं क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ ग्रैनी का? क्या बोलते हो दोस्तों, भाई ग्रैनी का ऑपरेशन मैं ही कर दूं क्या? और से भी यार ग्रैनी सांस नहीं ले पा रही, मुझे लगता है इसके दिल में कोई प्रॉब्लम है। चलो गाइस यार एक काम करता हूँ, मैं ही ग्रैनी का ऑपरेशन कर देता हूँ, पहले जैसा चंगा कर दूंगा ग्रैनी, चिंता मत कर। लेट्स गो गाइस यार, ग्रैनी का ऑपरेशन मैं ही करूंगा, चलो। सो गाइस यार ये देखो ग्रैनी भाई यहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और मुझे इसका हार्ट को ना भाई रिप्लेस करना है, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास डिब्बे में हार्ट होगा तो वो मुझे दिल को इसका रिप्लेस करना है तभी भाई ये बच पाएगी। मान तो मेरी गलती है, यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है, मुझे यार यहाँ पे ऑपरेशन करना होगा। ओके तो ठीक है यार, सबसे पहले मुझे ना ये हटाना होगा, तो लेट्स गो इसे भाई हटाते हैं। अरे हट जाना भाई, भाई एक सेकेंड, ये उंगली कैसा चल रहा है मेरा? ओके अच्छा चलो अब प्रॉपर तरीके से चल रहा है।
भाई चलो यार, भाई मैंने कभी भी डॉक्टर वाला पढ़ाई नहीं किया है, मैं कभी डॉक्टर वाले स्कूल में नहीं गया था, और जब मैं गया भी था, जब ये सब चीज पढ़ाया जा रहा था, तब मैं भाई एब्सेंट था, भाई ये सब मुझे नहीं आता है, लेकिन यार मैंने इसे ठोका है तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा ना, ये मैं क्या कर रहा हूँ। भाई साहब मैंने इसका कपड़ा ही को इधर उधर कर दिया। ओके, हथौड़ा मेरे हाथों में आ गया था, लेट्स गो गाइस यार, इसे पहले कपड़ा, अरे कपड़ा उठ जाना भाई, चलो गाइस यार, कपड़ा तो भाई प्रॉपर तरीके से मैंने इधर कर दिया, और ये देखो, ये है भाई ग्रानी का अंदर का माल मसाला, ये देखो यहाँ पे बोन्स है, और भाई सब अंदर लीवर है, और यहाँ पे दिल धड़क रहा है, बहुत तेजी से दिल धड़क रहा है, तो इसका ये मतलब है मुझे हार्ट को ना रिप्लेस करना होगा, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी सामान है, तो एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, हथौड़ा से ना ये सब चीज तोड़ देता हूँ। हाँ यही सही रहेगा, चलो गाइस यार हथौड़ा यहाँ पे, ये रहा हथौड़ा, इसे मैं पकड़ता हूँ। ओके मैं पकड़ता हूँ हथौड़ा को प्रॉपर तरीके से, अरे हथौड़ा नहीं हुआ, अरे हथौड़ा हाथ में आ जा भाई, हाथ में आ गया, फाइनली हथौड़ा हाथ में आ गया है, लेट्स गो गाइस यार, अब भाई से तोड़ता हूँ मैं, ये ले भाई, फाइनली यार मैंने भाई अंदर का हड्डी में तोड़ रहा हूँ, ये देखो, अरे टूट जा भाई हड्डी, ये लो। ओके भाई यहाँ पे ब्लड लॉस भी हो रहा है, मुझे आराम आराम से तोड़ना होगा, तो वरना भाई ग्रैनी तो ऑलरेडी मरी हुई है और मर जाएगी, भाई यहाँ पे मैं गलत तरीके से तो कुछ नहीं कर रहा ना। ओके गाइस यार ये भाई क्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही फनी भी लग रहा है, मतलब कि सच में मैं ग्रैनी का भाई पेट काट रहा हूँ, और ये मेरा हाथ ये कैसे ऐसे हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे अरे इसका मुंह में फंस गया, अरे हथौड़ा फंस गया अंदर में। ओके अरे 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 हथौड़ा अंदर ही फंस गया गाइस यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके ये मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर में तो खिचड़ी बना रहा हूँ मैं। ओह नो यार मैंने ग्रैनी को मार दिया, ये क्या हो गया। ओह नो मुझे एक लाइफलाइन और चाहिए, मुझे जीवन दान दो, मैंने ग्रैनी को सच में मार दिया क्या। ओके गाइस यार ग्रैनी तो ऑलरेडी भूत है, तो मुझे एक लाइफलाइन और मिल चुकी है, मुझे कुछ भी करके इसका दिल निकाल के नया दिल लगाना होगा, तभी भाई ये बच पाएगी। ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ, भाई असली डॉक्टर को आज ही के दिन छुट्टी लेना था क्या, सच बता रहा हूँ। ओके अब मैं प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वाला काम करने वाला हूँ। अरे यार प्रोफेशनल की तरह पहले ये तो हटा लूँ मैं, भाई ये कपड़ा नहीं हटता, ये ले। ओके गाइस यार ये कपड़ा तो मैंने हटा लिया, और एक सेकंड ये डिब्बा खोलता हूँ मैं। ओके गाइस यार इसके अंदर दिल है, ये देखो ये है ग्रानी का दिल जो हम लोग लगाने वाले हैं। ओके चलो ठीक है, मुझे ना गाइस यार यहाँ पे ये हड्डी को पहले काटना होगा, तो काटने के लिए सबसे पहले ये मशीन को यूज करते हैं, ये मशीन को यूज किया आता है काटने के लिए, तो लेट्स गो ये मशीन को उठाता हूँ मैं। ये देख रहे हो ये मशीन है, इसी से भाई काटा जाता है, तो लेट्स गो गाइस यार इसको अब धीरे धीरे काटते हैं। ओके मुझे आराम आराम से काटना होगा, क्योंकि यहाँ पे गाइस यार इसका अंदर का ऑर्गन्स को भाई चोट नहीं पहुँचना चाहिए, और ब्लड भी ज़्यादा लॉस होना नहीं चाहिए। लेट्स गो गाइस यार यहाँ पे साइड का बोन काटता हूँ, और ये भाई ऐसा क्यों कर रहा है, ये गलत तरीके से क्यों पकड़ लिया मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके चलो एक तरफ का कट गया, ये भी कट गया, कट जा भाई कट जा ना, ब्लड तो कुछ ज़्यादा लॉस हो रहा है गाइस यार, मुझे यार आराम आराम से काटना होगा। मैं शायद यहाँ पे इंजेक्शन भी दे देता ना, इसके ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता, बट यार मुझे इंजेक्शन देना नहीं आता, क्योंकि मैं ओरिजिनल का डॉक्टर थोड़ी ना हूँ भाई, आप भी समझो, मैं ओरिजिनल का डॉक्टर होता तो भाई मैं यहाँ थोड़ी ना होता। ओके भाई साहब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो लगता है मैं कुछ सही काम कर रहा हूँ, ये देखो अब ये यहाँ का बोन काटना है, एंड एक और बोन काटना है, एंड लगता है गाइस यार हो गया फाइनली हो गया। चलो यहाँ पे इसको रख देता हूँ मैं। ओके ब्लड तो कुछ ज़्यादा ही लॉस हो चुका है गाइस यार, अब एक काम करता हूँ इसकी हड्डी को उठाता हूँ मैं, और भाई साहब यहाँ पे रख देता हूँ, चलो ठीक है यहाँ पे हो गया। ओके अंदर को ऑर्गन्स तो देखो गाइस यार क्या ही मस्त लग रहा है, अरे ग्रैनी तुम्हारा ऑर्गन्स निकाल के मैं बेच डालूंगा, नहीं इसे मुझे जिंदा करना है, मुझे यहाँ पे गेम नहीं खेलना है। ओके ये लीवर है गाइस यार, ये फेफड़ी है, फेफड़ा है ग्रैनी का। ओके एक फेफड़ा तो मैं निकाल लिया, अब दूसरा फेफड़ा निकालता हूँ मैं, फेफड़ा निकल जा भाई अंदर जा, हाथ मेरा अंदर जा, फेफड़ा मुझे निकालना है, फेफड़ा निकल जा, अरे ये फेफड़ा तो निकल ही नहीं रहा, ग्रैनी मैं तुझे बचा के रहूँगा चिंता मत कर। अरे यार ये फेफड़ा की ऐसी की तैसी, निकल बाहर। ओके ये फेफड़ा भी निकल चुका है, अब गाइस यार मुझे ना नीचे जाना होगा, मतलब हाथ ले जाके नीचे आना होगा, और लीवर भी हटाना होगा, ये लो लीवर बाहर आ जा लीवर। ओके ये भी बाहर आ चुका है, अरे वाह लीवर ही बाहर आ चुका है, अब ये पता नहीं स्टमक का कौन सा पार्ट है, पिंक वाला मुझे नहीं पता, आप लोग भाई कमेंट करके बताओ ये कौन सा पिंक वाला पार्ट है, और ये हाथ में भी नहीं आ रहा। ओके तो इसे हाथ में लाने के लिए ना मुझे गाइस यार यहाँ पे कुछ सामान लगेंगे जिससे मैं हाथ में ला पाऊंगा, यहाँ पे इतने सारे कांटे चम्मच है इसे इस्तेमाल करता हूँ ना, ये आ जा कुछ आ जा, अरे यार ये फाइनली आ गया, इससे मैं कट करता हूँ। भैया कितना हार्ड एयर ऑपरेशन कर रहा, मैं तो सोचा था कि डॉक्टर में आराम से बन जाऊंगा, बट अब लगता है गाइस यार डॉक्टर गिरी तो नहीं होने वाला मुझसे, जहाँ तक मुझे ये लगता है। अंदर चल जा भाई, मैंने तो पूरा हर जगह खून खून कर दिया है, ये तो नहीं होने वाला मुझे पक्का यकीन है, इससे तो नहीं होने वाला,
ओके यहाँ पे एक चिमटा है, चिमटा से ट्राई करता हूँ गाइस यार। हाँ चिमटा से तो हो ही जाएगा। ये चिमटा, चिमटा मुझे दे दो ठाकुर, हट जा यहाँ से, चिमटा मुझे चाहिए। ओके इसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे कुछ भी करके चिमटा लेना होगा, हट जा सब। ओके मैंने आधा सामान तो नीचे ही गिरा दिया, मुझे चिमटा चाहिए यहाँ पे, कुछ भी करके चिमटा चाहिए। लेट्स गो गाइजर, ये चिमटों को लेता हूँ मैं। ओके ये चिमटा ले लिया मैंने, अब गाइजर इसका इस्तेमाल करता हूँ मैं। अरे ये चिमटा से हट जा भाई, अरे ये चिमटा से हट जा भाई, ये क्यों नहीं हट रहा, ये पिंक वाला स्टमक क्या है ये पता नहीं, बट ये हट जा ना भाई, ये कितना परेशान कराएगा मुझसे। ओके ये हट नहीं रहा, अरे हट जा भाई हट जा, ऐसा लग रहा है मैं भीख मांग रहा हूँ। अरे यार मुझे इसका ऑपरेशन करना है, हट जा भाई, मुझे दिल को चेंज करना है इसका। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ये गाइस यार निकल क्यों नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये निकल क्यों नहीं रहा। अरे निकल जा भाई, यहाँ पे कुछ और सामान भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, चलो इसका इस्तेमाल करता हूँ, शायद इससे हो जाए। ओके 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 फाइनली कट गया, अच्छा मुझे कट करना था, अब समझ में आया है। ओके अब मेरे को इसको निकालना है, अरे अब तो निकल जा भाई। ओके अरे निकल जा ना भाई, मैंने कट भी अब कर दिया, अभी भी नहीं निकल रहा, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तांडव क्यों खेल रहा है यहाँ पे। ओके दिल मुझे निकालना है, दिल निकल जा, अरे यार दिल निकल जा। ओके ओके दिल आ जा भाई हाथ में, दिल आ जा, अरे आ जा दिल। ओके यार मुझे नहीं लगता मेरे हाथों में दिल आने वाला है, इसका ब्लड लॉस बहुत हो चुका है। ओके ये भी निकल गया बाहर पिंक वाला, आप गाइजर इसका कमेंट में नाम लिख के बताना, कमेंट सेक्शन में नाम लिख के बताना ये क्या है। और फाइनली गाइजर मैं दिल को छू सकता हूँ, लेट्स गो गाइजर दिल को छूता हूँ मैं। अरे छू जा भाई दिल को, फाइनली मैं दिल को छूने वाला हूँ, लेट्स गो गाइजर दिल को छू लो। अरे ये मेरा हाथ को क्या हो गया। ओके अब नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ और नीचे जाओ थोड़ा, अरे दिल को छू ले भाई भाई, ये पकड़ क्यों नहीं रहा दिल को, अरे पकड़ लेना भाई, ये क्यों नहीं पकड़ रहा दिल को। ओ नो यार ये मरने वाला है, ये मरने वाली है, ये मरने वाली है, दिल को पकड़ ले। ओ शिट यार ये क्या हो गया दोस्तों, मतलब बस ये मैं कंप्लीट ही करने वाला था। ओ नो अब मुझे सब चीज समझ में आ चुका है, फिर से ट्राई करते हैं और इस बार मैं पक्का इसका दिल निकाल के रहूंगा और नया दिल डाल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए देख लेना, मैं ग्रैनी में तुझे बचा के रहूंगा, चिंता ना कर। ओके तो गाइस यार अब इस बार कोई भी गलती नहीं होने वाली है, अब देखो मैं इसका कितने मस्त तरीके से ऑपरेशन करने वाला हूं, अब मैं प्रोफेशनल बन चुका हूं क्योंकि इतना बार मैंने इसे मार दिया, अब तो भाई मुझे भी एक्सपीरियंस हो चुका है मारने का। अब गाइस यार मैं इसे बचाने का ऑपरेशन करूंगा, मतलब बचाने का अब मैं ट्राई करूंगा क्योंकि अब गाइस यार बचाने का समय आ चुका है, मारना तो मैंने बहुत बार मार दिया, अब बचाने का समय आ चुका है। लेट्स गो गाइस यार अब एक काम करता हूं, हट जा भाई ग्लास हट जा ग्लास, अरे 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 ग्लास को मैंने नीचे फेंक दिया, अगर मुझे पानी पीना हो तो छोड़ो यार, अभी ऑपरेशन के टाइम में कौन पानी पीता है। चलो गाइस यार अब यार हथौड़ा सा मारता हूं मैं, चलो हथौड़ा सा सब चीज तोड़ देता हूं मैं। ओके हथौड़ा से कुछ ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हथौड़ा नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि यार इसका ब्लड लॉस कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ इसका इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत ही मस्त चीज़ लग रहा है क्योंकि यार इससे ना कट जाता है कोई भी चीज़ है। ओके अब चलो इससे ना साइड साइड का मैं हड्डियाँ काटता हूँ, जो भाई होता नहीं हड्डियाँ, ये हड्डियाँ को काटता हूँ, इससे मस्त तरीके से हड्डियाँ कट जाती है गाइस, ये देखो। ओके एक हड्डी कट गई, दूसरी भी हड्डी कट गई, यहाँ पे तीसरी कट जा और यहाँ पे मैं सारी हड्डी काट दूंगा, ये लो। आई नो ब्लड लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूँ यार, ब्लड लॉस अब ब्लड चढ़ाना भी चाहिए डॉक्टर को, सारा काम मैं ही करूँ क्या। ओए नर्स कहाँ है, ओए नर्स को बुलाओ, इसको ब्लड चढ़ाओ, नर्स भी यहाँ पे काम चोर निकली, मतलब नर्स भी कोई काम नहीं कर रही है। अब चलो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सारा का सारा हड्डियाँ निकाल दूंगा। ओके हड्डियाँ वाला काम हो चुका है, इसको यहाँ पे रखता हूँ और ये जो हड्डी है ना इसे भाई पकड़ता हूँ और भाई साहब यहाँ पे साइड में रखता हूँ, क्या मस्त तरीके से मैंने किया है काम। अब भाई फेफड़ा हटाता हूँ, अब मैं बन चुका हूँ प्रोफेशनल गाइस यार, अब मुझे यार डिग्री की भी जरूरत नहीं है, मैं मुन्ना भाई MBBS वाला हरकत कर रहा हूँ, मतलब कि अब मुझे डिग्री की भी जरूरत नहीं है, अब बस मुझे जाना है और डायरेक्ट ऑपरेशन करना है। अरे यार पकड़ा जा हाथ में आ जा, ओके ये हाथ में आ चुका है, ये फेफड़ा की ऐसी की तैसी कोई काम का नहीं है, चल निकल। और एक और फेफड़ा है उसका भी कोई काम नहीं है, बस मुझे दिल का काम है, दिल का काम है फेफड़ा, बाहर आ जा बाहर आ जा। ओके यार ये फेफड़ा को भी मैं बाहर निकाल दिया, ओके ये फेफड़ा का भी अब कोई काम नहीं रहा है। चलो अब गाइस यार नीचे लीवर है, इसे लीवर को भी हटाता हूँ मैं। ओके लीवर हाथ में आ जा भाई, ओके ये लीवर भी हाथ में आ चुका है, ये लो। ओके लीवर भी हो चुका है, अब गाइस यार ये पिंक वाले को मुझे कट करना है, लास्ट टाइम मुझे याद रहा वो मैं गलती किया था, अब पिंक वाले को कट करना है ठीक है। तो लेट्स गो गाइस यहाँ से मुझे ना एक सीजर उठाना है, तो यहाँ से मैं चलो एक सीजर उठाता हूँ, लेट्स गो गाइस यार यहाँ से मैंने एक सीजर उठाया है, अब गाइस यार इसे ना कट करना है नीचे से, तो लेट्स गो। ओके मैं यहाँ पे कट करता हूँ, कट हो जा,
ओके फाइनली कट हो चुका है। अरे यहाँ से भी कट करता हूँ मैं भाई, भाई अब नहीं होगा ना तो मैं मार दूंगा। ओके फाइनली यार ये लास्ट कट भी हो चुका है और इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अब गाइजर मुझे ना यहाँ पे दिल निकालना है बस इसका, और नया दिल यहाँ से लगा देना। ये देखो इसके अंदर नया दिल है। तो ओके तो गाइजर दिल निकालने के लिए मुझे दिल को कट करना पड़ेगा। तो ओके ये व्हाइट वाला जो है ना, जो मतलब पिंक वाला है, इसे पहले सब चीज़ को हटाओ। तो पहले साइड से हट जा, यहाँ से साइड से हट जा भाई, बहुत तंग कर रहा है ये मुझे। तो सच बता रहा है ये सबसे तंग इसी ने मुझे किया है। ओके तो गाइजर अब भाई कट करने का समय आ चुका है, तो लेट्स गो गाइजर। कुछ ना सीजर उठाता हूँ मैं, चलो यहाँ पे सीजर उठाया जाए। ओके मैंने एक शायद सीजर उठा लिया, अब इसको कट करने का समय आ चुका है। सीजर को बहुत ही बारीकी से पकड़ना है। ओके एक जगह तो कट हो गया। ओके ओके दिल दिल हो गया, हो गया फाइनली गाइजर, लगता है दिल अलग हो चुका है। अब गाइजर इसे उठाने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके फाइनली गाइजर ये देखो, ये है ग्रानी का दिल, मैं हाथ में लेके ऐसे नचा सकता हूँ। ये लो ओए दिल ले लो, ओए दिल ले लो, ओए दिल ले लो, ये देखो ये ले दिल ले ले, अपना दिल लेके जा। ऐसे भी तेरा दिल कोई काम का है नहीं, मैं नया दिल लगाने वाला हूँ। लेट्स गो गाइजर, इसका नया दिल लेता हूँ मैं, लेट्स गो। और गाइजर इसके अंदर लगाता हूँ, ये लो फाइनली गाइजर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब गाइजर ग्रानी जिंदा हो सकती है। फाइनली गाइजर मैंने ग्रानी को ठीक कर दिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरी ग्रानी यहाँ पे आई है, क्या हो गया ग्रैनी को? ग्रैनी तुम्हें क्या हुआ था? मुझे पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था और तुम्हारा दिल काम नहीं कर रहा था, मैं भागे भागे आया। अगर तुम्हें मेरी दिल की जरूरत है तो मैं भी दे दूंगा। अरे कुछ नहीं हुआ था ग्रैंडपा, पता है ग्रैनी का ना कार एक्सीडेंट हो गया था। अरे मैं नया नया कार चलाना सीख रहा था तो गलती से ग्रैनी आ गई तो मैंने ठोक दिया। उसके बाद ग्रैनी का दिल नहीं चल रहा था तो मैंने दिल एक्सचेंज कर दिया, पुराने से नया लगा दिया। अरे मैं प्रोफेशनल डॉक्टर बन चुका हूँ भाई। फ्रैंकलिन बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदा ऑपरेशन किया मेरा। भागो जी भागो, यहाँ से भागो, फ्रैंकलिन तो मार ही डालता मुझे आज। मैं तो मरते मरते बच गई क्योंकि मैं भूत हूँ, अगर ओरिजिनल इंसान रहती तो कब की मर जाती। ये सुन के तो मेरा भी हार्ट अटैक आ रहा है कि तुमने ऑपरेशन किया था। अगर आपका भी हार्ट अटैक आ रहा है तो आप भी लेट जाइए, मैं आपका भी ऑपरेशन कर देता हूँ ग्रैंडपा। अरे नहीं नहीं पागल हो क्या, मैं तुझे देख लूंगा फ्रैंकलिन, तो बहुत ज्यादा तेज बनता है, मेरा ऑपरेशन करेगा। भागो यहाँ से जल्दी भागो, ये मेरा ऑपरेशन करने चला है, ये मुझे भी मार डालेगा। पता नहीं गाइजर ये सबको क्या हो जाता है मेरे नाम से। अरे मैं भी कुछ कर सकता हूँ भाई, सबको मेरे से उम्मीद क्यों नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फाइनली गाइजर मैं ना आज डॉक्टर भी बन के देख लिया। अगर गाइजर अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए, मतलब कि मैं फुल टाइम डॉक्टर बन जाऊँ और सबका इलाज करूँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। ओके तो गाइजर आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ अगर आपको हमसे बात करना है तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।